जिनके पास में टोकन है उनका उन्हीं का आज की डेट में रजिस्ट्रेशन होगा, जिनके पास में टोकन नहीं है वो भरत मंदिर इंटर कॉलेज में चले जाए, कल की डेट का टोकन मिलेगा उनको। जिनके पास कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है, भूखे हैं चार दिन सर, चार दिन हो गए सर। जितने लोगों की कैपेसिटी है उतने लोग भेज ले तो वही है उसी कारण से, लेकिन अब हमने क्या करा है कि थोड़ा सा उसको बढ़ाया है तो आज भी हमने लगभग साढ़े तीन लोग आए हैं, उनका पूरा लिस्टिंग हमने करी है। उस लिस्टिंग के हिसाब से कि कौन पहले आया है कौन बाद में आया है वो पूरी लिस्टिंग की है। उसके बाद ये टोकन सिस्टम्स बांटे जा रहे हैं। आज पहला दिन था, आज आपने देखा होगा, इसलिए अभी आप बस अड्डे से भी आ रहे हैं तो वहाँ पर आपको काफ़ी कम भीड़ दिखी होगी। तो ये क्राउड मैनेजमेंट के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं भरत इंटर कॉलेज, यहाँ पर भी टोकन सिस्टम किया जाएगा, टोकन दिए जाएंगे। वो बेसिस वो रहेगा कि जो पहले आया है उनको दिया जाए। हमारी कोशिश ये रहेगी कि एक दो दिन में जितना भी बैकलॉग है वो सारा ख़त्म किया जाए। इस बाबत हमारी डीएम रुद्रप्रयाग से भी बात हुई है, डीएम चमोली से भी बात हुई है, तो वो अपना नंबर्स अकॉर्डिंगली बढ़ाएंगे घटाएंगे। तो उस हिसाब से हम दो तीन दिन में जितने भी जो भी आए हैं यहाँ पर दर्शन के लिए उन सभी लोगों को हम यहाँ से गंतव्य के लिए चारधाम के लिए रवाना कर देंगे। कितना टोकन प्रतिदिन बांटा जाएगा सर? देखिए, टोकन डिपेंड करता है जितना भी रजिस्ट्रेशन होगा। जैसे आज सुबह हमने 3300 के करीब किया था तो 3300 टोकन तब बांटे थे, इवनिंग में भी 500-600 जो होगा तो उस हिसाब से हम टोकन बांटेंगे। टोकन भी उस हिसाब से बांटेंगे कि जो पहले आए हुए हैं या जो छूटे हुए हैं उनके पहले टोकन बांटे जाएंगे, उनके बाद जो फ्रेश होंगे उनको टोकन। सर, टोकन स्कूल में बटेगा, रजिस्ट्रेशन के लिए बीटीसी जाना पड़ेगा? या हाँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ही जगह हो रहा है, लेकिन ये क्राउड को अलग अलग करने के लिए, क्योंकि वहाँ पर क्राउड हैंडल किया भी नहीं जा सकता और व्यवस्थाएं भी एक जगह इतने क्राउड के लिए नहीं की जा सकती, इसलिए ये दो जगह हैं की गई है। कुछ व्यवस्थाएं की यहाँ पर प्रशासन के द्वारा टैंकर्स भी लगाए गए हैं, टॉयलेट्स भी बनाए गए हैं और खाने के लिए जो स्वयंसेवी संस्थान है वो भी लगातार हमारे समन्वय में बने हुए हैं और उनके द्वारा हम यहाँ पर लगातार डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। जैसे आपने बस अड्डे में देखा था उसी तरीके से हमारा यहाँ इंटर कॉलेज में भी रहे।